Hello students, hi and welcome to One Academy Sapiens. And students, we are today back with our series Operation NEET 2021. But आज है Saturday और आज होता है students हमारा weekly live quiz. जो भी students हम लोग इस पूरे के पूरे week में cover करते हैं उससे related कुछ questions को यहाँ पर हम लोग discuss करते हैं. It is going to be a really a very awesome session. सबसे पहले बता दीजिए अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, I am audible and visible to all of you. Okay sir. चलिए तो स्टूडेंट जल्दी से इस लिंक को भी शेयर कर दीजिए सारे जगह ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर ले. ओके सर. तो नाउ आई हैव शेयर्ड द लिंक एवरीवेयर, नाउ यू पीपल ऑल्सो डू द सेम थिंग एंड लेट्स बिगिन द ऑसम सा प्यारा सा सेशन. ओके सर. चलिए स्टूडेंट्स, तो अब जल्दी जल्दी यार सारे लोग आ जाओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग, तो यार मेरे से भी ज्यादा लेट हो. ओके चलिए. नाइस टू सी हाउ आर यू सर. सर कोड फॉर द क्विज अश्विनी असाटी. यहां पर देयर इज नो कोड फॉर द क्विज. जो क्विज है दिस इज अ लाइव क्विज दैट विल बी टेकन हियर ओनली. कमेंट सेक्शन में आंसर्स करने हैं और जो भी सबसे पहले आंसर करेगा उसको क्या मिलेगा, उसका नाम यहां पर एकदम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. ठीक है सर. तो ट्राई टू गिव द आंसर्स फास्ट एज पॉसिबल. बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपने हमारे प्रीवियस 3 क्लासेस को अटेंड किया हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो उन्हीं 3 क्लासेस से रिलेटेड होंगे या कुछ क्वेश्चन उससे पहले से भी रिलेटेड हो सकते हैं. तो स्टूडेंट टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट फुल चैप्टर टेस्ट. ये रिलेटेड होगा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के साथ. ओके स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स ये है हमारा अनअकैडमी प्लस का बहुत ही प्यारा सा प्लेटफॉर्म. अगर स्टूडेंट्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट 2021 या 2022, तो स्टूडेंट्स नाउ इट्स हाई टाइम, वेरी वेरी हाई टाइम. क्योंकि सर अब जो मेरे पास न्यूज है स्टूडेंट्स, 27 या 28 के बाद से सब्सक्रिप्शन प्राइसेस श्योर शॉर्ट इंक्रीज हो रहे हैं. इंक्रीज तो होना ही है, बट मेरे ख्याल से जो मेरे पास इंटरनल न्यूज है कि 27 या 28 के बाद प्राइसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे. तो इसीलिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, यूज द कोड आरके सर लाइव और स्टूडेंट्स अभी के अभी इसको लॉक कर ले अपने 30,000 रुपीस वाले प्राइस पे. 30,000 पे जैसे आप आरके सर लाइव यूज करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट और ये प्राइस हो जाएगा 27,000. आप अपने क्रेडिट पॉइंट्स को यूज करेंगे और ये प्राइस फिर घट जाएगा टू 25,000 टू 26,000. द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर 2 years ऑल्सो. बट आफ्टर द इंक्रीज ये जो प्राइस है ये 30,000 से इंक्रीज होके स्टूडेंट होने वाला है 38,000 और ये 36,000 से इंक्रीज होके होने वाला है 56,000. तो यहां पे लगभग 10,000 और यहां पे लगभग 20,000 रुपीस का इंक्रीज होगा. तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए और स्टूडेंट सैटरडे और संडे के बीच में सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए यूजिंग द कोड आरके सर लाइव. मेरा बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर द ड्रॉपर्स. आपको मौका मिलेगा मेरे से कंप्लीट बायोलॉजी बिल्कुल लाइव पढ़ने का. ठीक है सर. चलिए अब आज के क्विज को यहां पर स्टार्ट करते हैं. आज के क्विज को यहां पर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. एवरीबडी गेट रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. गो फॉर दिस. ओके सर. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू आंसर मी दिस क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स टू द हाइब्रिडाइजेशन, ब्रीडिंग सीजन और द फ्लावरिंग टाइम मे बी डिफरेंट इन द टू स्पीसीज. ओके सर. कम ऑन एवरीबडी आंसर मी दिस क्वेश्चन. एकदम झकास तरीके से सही आंसर बताएंगे. चलिए सर. वेटिंग फॉर द आंसर्स हियर, वेटिंग फॉर योर आंसर्स हियर एवरीबडी. ओके कम ऑन बी क्विक. कुछ नहीं पता, अगर आप क्लासेस को अटेंड नहीं करोगे, नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे तो ऑब्वियस है आंसर नहीं पता होगा. ये मैंने आपको सिखाया हुआ है. संजय गुप्ता गलत जवाब, पप्पू गोप वेरी गुड, अश्विनी गलत जवाब, शंकर वेरी गुड. तो सर यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि जो ब्रीडिंग सीजन है या फ्लावरिंग टाइम है ये तुम्हारा डिफर कर रहा है. मैंने अपने क्लासेस में आपको क्या सिखाया था कि अगर मान लीजिए ब्रीडिंग सीजन अलग है, टी फॉर टाइम टी फॉर टेम्पोरल मैंने सिखाया था आप लोगों को, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दैट दिस इज गोइंग टू बी द टेम्पोरल आइसोलेशन. अगर टाइमिंग ऑफ द ब्रीडिंग सीजन डिफरेंट होगा तो इस आइसोलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टेम्पोरल बोलते हैं. ठीक है सर.
अगर क्वेश्चन रहता कि भाई देयर इज अ सेपरेशन बाय सम टाइप ऑफ ओशन या सम टाइप ऑफ माउंटेन, तब जाकर इसका आंसर होगा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, और जितने भी हैं उनसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसीलिए अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके, वेरी वेरी गुड। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर दिस एवरीवन। ओके सर, रीड आउट दिस। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्पेसिएशन इज स्पेसिफिकली शोन इन द डायग्राम। आपको देखना है कि आखिर इस डायग्राम में ए में और ये है तुम्हारा बी, इन दोनों के बीच में यहां पे किस टाइप का स्पीसिएशन को दिखाया गया है। सेम डायग्राम को स्टूडेंट मैंने क्लास में भी यूज किया था, तो आप आंसर बता सकते हैं, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ओके। सुतापा घोष, राजेश कुमार, सैम्यूल, मीनल, अश्विनी, पप्पू घोष, ओके सर, वेरी वेरी गुड आंसर्स कमिंग अप हियर, दैट विच टाइप ऑफ स्पीसिएशन इज स्पेसिफिकली शोन इन द गिवन डायग्राम। ओके सर, हाँ, और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इस चैप्टर में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। द रीजन बीइंग कि भाई उनको लगता है कि इवोल्यूशन चैप्टर को हटा दिया गया है, कि भाई अभी ये सिलेबस में नहीं है तो इसे पढ़ के क्या करेंगे। देखिए, ये केवल और केवल अभी सीबीएसई के सिलेबस से, सीबीएसई एग्जाम पर्पस से इसको हटाया गया है, वो भी कितना हटाया गया है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। आन स्टूडेंट नीट के लिए ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है कि इस चैप्टर को नीट के सिलेबस से हटाया गया है, तो बिल्कुल भी इस गलत फहमी में ना रहे कि भाई इस चैप्टर को नहीं पढ़ने से भी चलेगा, इवोल्यूशन चैप्टर तो अब सिलेबस में है ही नहीं। ओके सर, देखिए सर, यहां पे क्या हो रहा है, वन स्पीसी इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द अदर स्पीसी, एंड जब ये स्पीसी आएगा तो ये जो पेरेंटल स्पीसी है ये डिसअपीयर कर जाएगा, ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है दिस इज कॉल्ड एनाजेनेसिस। और अगर स्टूडेंट यू हैव अ स्पीसी और ये इवॉल्व कर जाता है इनटू टू डिफरेंट स्पीसी या मोर देन टू डिफरेंट स्पीसी शोइंग द ब्रांचिंग पैटर्न, इसको बोलते क्लैडोजेनेसिस। तो यहां पर ए होगा तुम्हारा एनाजेनेसिस और बी हो जाएगा द क्लैडोजेनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से पता होना चाहिए। जिन लोगों ने भी सही जवाब दिया, वेरी गुड, एक्सलेंट। ओके सर, Let us move here to the next question again on the screen, everybody. ये रहा आपका next question, go for this. Okay, sir. देखिए इस question को ध्यान से देखिए। Two types of graphs were observed after the operation of the natural selection. तो भाई कैसा graph आया? तो peak gets higher and narrower in A. And two peaks form in the B. आपको बताना है A और B ये किस टाइप का, natural selection है, Come on students, two types of graphs were observed after the operation of the natural selection. You have to tell me कि ये किस टाइप के हैं. Okay sir, the answers coming up. Hi Samuel, very good. पप्पू गोप, वेरी गुड आंसर। सुतापा घोष, राजेश कुमार, अश्विनी असाती, ओके सर, सो दीज आर पीपल हु हैव गिवन अस द करेक्ट आंसर। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि आपका जो ओरिजिनल ग्राफ था, ये मान लो ऐसा था। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इसमें आपका नेचुरल सिलेक्शन हुआ और नेचुरल सिलेक्शन के कारण से अगर जो एवरेज पीपल थे उनका सिलेक्शन होता है तो ये ग्राफ तुम्हारा अब कुछ इस तरह का हो जाता है। तो स्टूडेंट अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है मतलब द पीक गेट्स हायर एंड द नैरोअर, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द स्टेबिलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि दो नए पीक बन जाते हैं, इसका क्या मतलब है, मतलब ये एक्सट्रीम भी सेलेक्ट हो रहा है, बट बीच वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तब आपका सेम ग्राफ कैसा हो जाएगा, तब स्टूडेंट सेम ग्राफ आपका अब कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो अगर सेम ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का हो जाता है तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट, सर, disruptive type। तो student the answer here will be the third one, इसका answer होगा तीन number, stabilizing and the disruptive।
ओके सर, चलिए स्टूडेंट्स लेट अस मूव हेयर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एवरीबॉडी। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द थ्योरी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म, दिस वॉज प्रोपोज बाई, द थ्योरी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म वॉज प्रोपोज बाई। चलिए सर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द थ्योरी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म वॉज प्रोपोज बाई। वेटिंग फॉर द आंसर से अश्विनी साथी, सुतापा घोष, संदीप कमल। ओके सर, तो कुछ लोगों ने यहां पे अभी तक इसका सही आंसर दे दिया है। तो थ्योरी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म दैट वॉज गिवन बाई द विस्मैन। यही वो पर्सन था जिसने क्या किया था, माइस के टेल को 22 जनरेशंस तक कट किया था, और उसके बाद भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो माइस के ऑफस्प्रिंग्स आए उनके टेल या तो छोटे हो गए या डिसअपीयर हो गए, दोनों में ही कोई भी फेनोमेनन नहीं देखा गया। इसका यही मतलब है कि सोमैटिक सेल में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। विस्मैन नहीं बोला था कि हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल और एक जर्म सेल। जर्म सेल में जो चेंजेस आते हैं दे आर इनहेरिटेबल, बट सोमैटिक सेल में जो चेंजेस हैं दे आर नॉन इनहेरिटेबल। तो सारा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। लेट अस मूव हेयर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। गो फॉर दिस एवरीबडी। यस सर, चलिए इसको आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्पीसिएशन इन द ज्योग्राफिकली सेपरेटेड रीजन, अगर ज्योग्राफिकली सेपरेटेड रीजन में स्पीसिएशन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। स्पीसिएशन इन द ज्योग्राफिकली सेपरेटेड रीजन, व्हाट टाइप ऑफ स्पीसीज आर गोइंग टू गेट फॉर्म। ओके सर, वेटिंग फॉर योर आंसर्स हियर। सुतापा घोष, संजय गुप्ता, अश्विनी, पप्पू गोप, सैम्यूल, संदीप, जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं दे आर गिविंग अस द वेरी वेरी करेक्ट आंसर्स, और जो लोग क्लास नहीं करते हैं केवल क्विज के दिन आते हैं तो दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो देखिए सर, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर आप दो डिफरेंट एरियाज में रहते हैं एंड स्टूडेंट्स अगर आपके बीच में एक ज्योग्राफिकल बैरियर है तो ये लोग दोनों आपस में मिल नहीं सकते हैं और इनके बीच में जीन फ्लो नहीं हो सकता है, और इस टाइप के स्पीसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्पीसिएशन को हम लोग एलोपेट्रिक स्पीसिएशन बोलते हैं, बिकॉज यू आर लिविंग इन द डिफरेंट एरिया। अगर यही क्वेश्चन होता कि आप सेम एरिया में रहते हैं और सेम एरिया में रहते हुए नए स्पीसीज बन जाते, तब जाकर इसका आंसर होता सिंपेट्रिक स्पीसिएशन। सेम एरिया सिंपेट्रिक, डिफरेंट एरिया एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। ओके सर, लेट अस मूव हेयर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पे अटेंशन हेयर। ओके सर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट इंडिविजुअल्स। कम ऑन स्टूडेंट्स, आंसर मी दिस। What is the frequency of the dominant individuals according to the Hardy-Weinberg principle? Waiting for the answers here. सारे लोग जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। Hi Samuel, Sutapa, very very good, nice going up here. Divyans also very good, Raju Kumar, बहुत सारे लोगों ने सही भी दिया, बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर भी दिया। इस क्वेश्चन में पता नहीं आप लोग क्यों बार बार फंसते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डोमिनेंट, मैंने 100 बार ये बता दिया है कि अगर क्वेश्चन में केवल और केवल डोमिनेंट पूछा जाए तो आपको क्या देखना है, आपके पास दो वैरायटीज हो सकते हैं, या देखिए आपके पास एक होमोजाइगस वैरायटी हो सकता है, और अगर होमोजाइगस वैरायटी है दिस इज गोइंग टू बी पी स्क्वायर, और डोमिनेंट जो जीन होता है ये तो अपने आप को हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करता है, तो स्टूडेंट यहां पर दिस कैन बी द हेट्रोजाइगस आल्सो एंड दैट इज गोइंग टू बी 2pq। जब दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी पी स्क्वायर प्लस 2pq। अगर क्वेश्चन में होमोजाइगस डोमिनेंट दिया रहे तब आप आंसर करो पी स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दिया रहे तब आप आंसर करो 2pq।
बट क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन है ओनली द डोमिनेंट इंडिविजुअल, तो आंसर विल बी पी स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान से देखना है। ओके सर, लेट अस मूव हियर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबॉडी, गो फॉर दिस। ओके सर, आपको बताना है द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी के दो की कॉन्सेप्ट्स क्या थे? डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, एनसीईआरटी का लाइन है। बताइए सर, एवरीबॉडी आंसर मी दिस क्वेश्चन, एवरीबॉडी आंसर मी दिस क्वेश्चन, द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द, वेटिंग फॉर योर आंसर्स हियर, वेटिंग फॉर योर आंसर्स हियर। हाय दिव्यांश उपाध्याय, दिव्यांश उपाध्याय, ओके सर, सो मेनी रॉन्ग आंसर्स आर कमिंग, सो मेनी रॉन्ग आंसर्स आर कमिंग। सारे लोग यहां पे 2-2-2 आंसर क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि डार्विन थ्योरी में जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां से आ जाएगा, डार्विन थ्योरी में जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां से आ जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट तो अभी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी नहीं है, सबसे पहला बात कि ये टॉपिक तो अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए द नेचुरल सेलेक्शन एंड द ब्रांचिंग डिसेंट। याद रखिएगा कि ये तुम्हारा डार्विन थ्योरी है, ठीक है, कि भाई डार्विन थ्योरी में इवोल्यूशन बाय व्हाट, इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये लोग क्या करते जाते हैं, ये लोग ब्रांच ऑफ करते जाते हैं इन दिस वे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन एंड द ब्रांचिंग डिसेंट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज नो वे रिलेटेड टू द डार्विन्स थ्योरी। ओके सर, याद रखिएगा, गलत आंसर है सर। ओके सर, कम ऑन स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग और भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्या हो रहा है, आप लोग गलत आंसर क्यों कर दे रहे हो यार आज? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया यार, जेनेटिक ड्रिफ्ट को कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं करना है डार्विन थ्योरी में। ओके, वो बिल्कुल अलग है। चलिए सर, लेट अस सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, लेट अस सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबॉडी, गो फॉर दिस। ओके, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। Which is the most important criteria for speciation? सबसे ज्यादा important criteria speciation के लिए क्या है? The most important criteria for speciation क्या है? चलिए सर बताइए। अरे यार कम से कम तुम लोग एक चीज सोचा करो हमेशा कि वैसे आंसर पे कभी टिक मत करो जिसको कि मैंने अभी क्लास में पढ़ाया नहीं है, ठीक है सर? अभी तो वो टॉपिक आने वाला है, वो टॉपिक तो हुआ ही नहीं है। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दे दूं जो कि मैंने नहीं बताया है, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर दिस क्वेश्चन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। फिर से बहुत सारे गलत आंसर आ रहे हैं, फिर से बहुत सारे गलत आंसर आ रहे हैं। नहीं, आप लोग नोट्स रिवाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो, मैं समझ गया। आप लोग बस क्या कर रहे हो, क्विज में आ जा रहे हो, कॉपी पढ़ नहीं रहे हो। मैंने कितनी बार बताया आपको कि देखो यार, अगर आप प्लस सब्सक्राइब कर सकते हो आपको जरूर करना चाहिए, प्लस में आके क्लासेस करने चाहिए। अगर नहीं कर सकते हो तो ये जो क्लासेस हो रहे हैं यूट्यूब में, इसको भी आप प्लस सोच के ही क्लासेस कीजिए, ठीक है सर? ऐसा नहीं कि बस आइए सुनिए। मैं बहुत बार देखता हूं सर, लोग बस आते घूम के चले जाते। नहीं सर, नोट्स बनाइए। हम लोग बहुत सिस्टमिक तरीके से यहाँ पे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल प्लस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो दीज क्लासेस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके सर, चलिए देखिए यहाँ पे क्या मैंने बताया था आपको कि अगर तुमको स्पीसीज बनाना है, स्पीसिएशन के लिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, याद देखिए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज मस्ट फॉर स्पीसिएशन। ओके, अब जिन लोगों ने भी वेरिएशन आंसर दिया, वेरिएशन में मैंने क्या पढ़ाया है, वेरिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, वेरिएशन इज मस्ट फॉर इवोल्यूशन। ओके, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन, तब आप आंसर लिखिए वेरिएशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्पीसिएशन, तब आप आंसर करो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन।
सबको समझ में आया सर? तो ये की वर्ड्स आपको सीख के रखने हैं, नहीं तो फिर बहुत गलतियां होंगी एग्जाम में। चलिए सर, एवरीबडी गॉट दिस आंसर, एवरीबडी गॉट दिस आंसर सर, सारे लोगों को ये समझ में आ गया कि कभी भी आपसे स्पीसिएशन पूछा जाए कि स्पीसिएशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जब भी पूछा जाए कि इवोल्यूशन के लिए क्या क्राइटेरिया, तब आंसर दीजिए वेरिएशन। ओके चलो, वेरी गुड, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन द स्क्रीन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर दिस एवरीबडी। ओके सर, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो तो आराम से, पहले रीड आउट कीजिए, पहले रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को। अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज लिव्स इन अ प्लेस वेयर द एनवायरमेंट इज मोर एरिड, द एवरेज सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स हैज बीन डिक्रीजिंग इन द सक्सेसिव जनरेशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, कम ऑन एवरीबॉडी आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिए, आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड आंसर दिस, यू कैन आंसर। क्या हो गया भाई, रुक गए आप लोग? जल्दी से आंसर कर दो यार, जल्दी से आंसर कर दो। सैम्यूल थोड़ा सोचो यार, क्या क्या आंसर कर रहे हो? आपने डिसरप्टिव पे टिक लगाया, सैम्यूल क्या सोच के लगाया डिसरप्टिव पे? डिसरप्टिव के लिए दो पीक्स होने चाहिए, डाइवर्सिफाइंग टाइप है वो, कैसे हो सकता है डिसरप्टिव ये? नहीं, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, देखो आपको तीन साइज हो सकते हैं। मान लो लिप्स के एक साइज है लार्ज, एक साइज है एवरेज और एक साइज है स्मॉल, ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है द एवरेज सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स हैज बीन डिक्रीजिंग इन द सक्सेसिव जनरेशन। मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब एनवायरमेंट किसको सेलेक्ट कर रहा है, एनवायरमेंट इज सेलेक्टिंग द स्मॉल साइज। तो अगर केवल वन एक्सट्रीम का सिलेक्शन हो तो इसे क्या बोलते हैं, अगर केवल वन एक्सट्रीम का सिलेक्शन हो तो इसे डायरेक्शनल बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि भाई लीव्स का साइज एवरेज हो रहा है तब क्या आंसर देते, तब स्टेबलाइजिंग देते। और अगर क्वेश्चन में बोला होता कि जो लीव्स हैं ये दो तरह के हैं, आइदर लार्ज लीव्स और स्मॉल लीव्स, तब क्या बोलते, तब बोलते डिसरप्टिव टाइप, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा, द डायरेक्शनल सिलेक्शन। होप एवरीबॉडी गॉट दिस, सारे लोगों को समझ में आया सर? ओके एक्सेलेंट आंसर, लेट अस सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, एवरीबॉडी गो फॉर दिस। ओके ध्यान से देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रीपेटल टाइप ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। देखते हैं इस बार कितने लोग आंसर देते हैं। अगेन स्टूडेंट, क्लास में मैंने बताया है, क्लास में मैंने बताया है, विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रीपेटल टाइप, किसको हम लोग सेंट्रीपेटल टाइप बोलते हैं बताइए? यनुसा, यनुसा, एक्सेलेंट आंसर। सैम्यूल, ओके वेरी गुड। संजय गुप्ता, आकांक्षा कुमारी, पप्पू गोप, यस सर। जो लोगों को नहीं पता, अगेन क्लास अटेंड कीजिए, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए, ठीक है? मैंने देखा जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, मैं देख रहा हूं लोग उतना इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, क्योंकि भाई सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है सर, अब तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है भाई। और मान लो नहीं भी है, अभी टाइम है ना यार, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। मान लो एक क्वेश्चन भी आ गया तो क्या करोगे एग्जाम में? आप देखते हो यार, हर साल लोग आपको क्या बोलते हैं, कॉकरोच नहीं है, अर्थवॉर्म नहीं है, हर बार इस पे डिस्कशन होती है। सारे यूट्यूब चैनल पता नहीं कि रोज वीडियो बनाते हैं, अर्थवॉर्म नहीं है, कॉकरोच नहीं है, और जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तब क्यों नहीं पूछने जाते भाई? तो इसलिए जो भी आपके एनसीईआरटी में है वो पढ़ना है, ठीक है सर, उसे पढ़ लीजिए। हाँ, जब एग्जाम सामने आएगा, अगर कोई एकदम आपको बोल देगा कि नहीं नहीं भाई इस बार इवोल्यूशन नहीं है, एकदम एनटीए वाले ने निकाल कर एक मैसेज आपको भेज दिया, तब जाकर आप वैसा कीजिएगा। अभी तो समय है हमारे पास ना सर, जल्दी से पढ़ के खत्म कर लेते हैं। देखो सर, यहां पर आपको क्या बोला गया, यहां पे दैट दिस इज द सेंट्रीपेटल टाइप। देखो अगर ये तुम्हारा नॉर्मल कर्व है, अगर मान लो यहां पे नेचुरल सिलेक्शन हुआ और नेचुरल सिलेक्शन के कारण से कर्व क्या हो गया, ये बीच के साइड आ गया, मतलब जो फोर्स है वो किस साइड काम कर रहा है, द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल साइड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल टाइप, एंड दिस इज गोइंग टू बी द स्टेबिलाइजिंग। अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल कौन है, तब इसका क्या आंसर होता, तो
सेंट्रीफ्यूगल के लिए ये दोनों नाम हो जाता है, डिसरप्टिव और डाइवर्सिफाइंग सेम नाम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, कि भाई बाहर की तरफ काम कर रहा है। अगर फोर्सेस आर एक्टिंग टुवर्ड्स द आउटर साइड देन दिस इज गोइंग टू बी द सेंट्रीफ्यूगल। ओके सर, वेरी वेरी गुड, लेट अस मूव हियर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। चलिए सर इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए और बताइए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये तो आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। चलो सर बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कम ऑन बी क्विक, पप्पू गोप, आकांक्षा, अश्विनी, असाती, अदस अदस, स्नेहा, अरे भाई सही में आप लोग ना महान हो भाई, आप लोग एकदम महान, ठीक है सर, एकदम और एकदम क्या हो महान। अरे यार क्या सोच रहे हो, मैंने बोला है दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आप लास्ट टाइम का नोट्स निकाल के देखो तो क्या लिखाया था, अगर मान लीजिए दो स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं, इनएबिलिटी टू इंटरब्रीड, याद देखिए इनएबिलिटी टू इंटरब्रीड, दो स्पीसीज को आपस में इंटरब्रीड नहीं करने देना इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब इसके लिए आप लोग दिमाग लगा रहे हो, ब्रीडिंग इन आइसोलेशन, एबिलिटी टू इंटरब्रीड, अरे यार ये फंसाने के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। अगर दो लोग रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो लोग आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, इन एबिलिटी टू इंटरब्रीड, द आंसर विल बी फर्स्ट वन। ठीक है, ओके, ज्यादा दिमाग ना लगाए भाई, कभी कभी आप लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाते, सारे लोग को देखो एक भी सही आंसर नहीं है, मैं देख रहा हूं एक भी सही आंसर नहीं है, सब गलत आंसर, सब गलत आंसर। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, अब मेरे को लगा था कि ये सबसे इजी क्वेश्चन है और इसी में सारे लोग फंसे हुए हैं। चलो सर कोई बात नहीं है, लेट सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी, गो फॉर दिस। चलो इसको देखो, Which type of speciation is specifically shown in the diagram? Diagram में किस type के speciation को दिखाया गया है? ये है तुम्हारा A और ये है तुम्हारा B. Okay sir. Let's see sir. Everybody answer me this question. Which type of speciation has been shown in the direction? Okay, answers coming up here. Yes, sir. Okay, now what you can see, same diagram को मैंने use किया था class में अपने, आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है कि इन दोनों के बीच में एक barrier है, इन दोनों के बीच में एक barrier है, ये तुम्हारा एक स्पीसी है और ये तुम्हारा कलर चेंज है, तो दिस इज द सेकेंड स्पीसी दैट हैज बीन फॉर्म, मतलब स्पीसिएशन हुआ है इन द ज्योग्राफिकली सेपरेटेड एरिया, तो दिस शुड बी द एलोपेट्रिक, और यहां पे क्या हुआ, सारे के सारे सेम एरिया में रहते हैं, और सेम एरिया में रहने के बाद आप देखिए कि भाई कलर चेंज हो गया है बीच में, इसका मतलब है कि दीज आर द न्यू स्पीसीज दैट हैव बीन फॉर्म, सिंपेट्रिक स्पीसिएशन, आंसर विल बी बी नंबर। ओके सर, ओके, वेरी वेरी गुड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, गो फॉर दिस, लेट्स सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। म्यूल विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटिंग ऑफ द मेल डोंकी एंड अ मेयर दैट इज द फीमेल हॉर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। चलिए सर बताइए, बताइए सर, ये सेम एग्जाम्पल मैंने क्लास में कराया था, सेम एग्जाम्पल क्लास में कराया था, ये किस टाइप का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है? हाय रसना चक्रवर्ती, कहां थी मैडम आप, क्लास आज नहीं है, एब्सेंट है आज क्लास में। अश्विनी असाठी, संजय गुप्ता, देवराज, ओके सर, सारे लोग अब यहां पे सही आंसर दे रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी, क्योंकि जो म्यूल है, म्यूल तुम्हारा इनफर्टाइल होता है, तो हाइब्रिड इज गोइंग टू बी स्टेराइल हेयर। ओके सर,
लेट अस सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी. गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. ओके सर, चल इसको देखो अगेन. सेम क्वेश्चन क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है. द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज यूज्ड बाय, आपको बताना है द फ्रेज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस फ्रेज का इस्तेमाल किसने किया है, इस फ्रेज का इस्तेमाल किसने किया है. द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज यूज्ड बाय, वॉज यूज्ड बाय. ओके सर, आंसर दिस. पवन बेसरा, अश्विनी असाती. देखो यार यही प्रॉब्लम है, जब आप क्लास नहीं करते हो तब आप इसी तरह के आंसर देते हो. पप्पू गोप, फिर से गलत आंसर. मैंने साफ बताया था आपको कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वर्ड डार्विन का नहीं था, आपको याद होगा. मैंने क्लास में बुलाया था, डायग्राम भी दिखाया था, इमेज भी दिखाया था. किनका सर? हर्बर्ट स्पेंसर का, कि स्पेंसर जी ने ये टर्म दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. वहां से उस टर्म को कॉपी पेस्ट किया गया था बाय चार्ल्स डार्विन. ठीक है सर, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन का वर्ड नहीं है. दिस टर्म वॉज गिवन बाई हर्बर्ट स्पेंसर. हर्बर्ट स्पेंसर, स्पेंसर का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके सर, चलो वेरी वेरी गुड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके सर, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. चलो सर बताइए. हाँ अश्विनी असाती, यूज्ड में भी वही आंसर होगा. ठीक है, अब आप लोग हमें को सिखा रहे हैं कि सर यूज्ड लिखा हुआ है, यूज्ड में भी वही आंसर होगा. ठीक है, चलिए आंसर बताइए. यहां पे द मिलर एंड द यूरे परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द ओरिजिन ऑफ द लाइफ. दे टुक द गैसेस अमोनिया एंड द हाइड्रोजन अलोंग विथ. चलिए सर बताइए, इसका आंसर बताइए. दे took the gases ammonia and hydrogen along with. ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बहुत बार कराया, बस आज थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया. आज मैंने दो गैसेस आपको बता दिए और दो आपसे पूछ दिया. तो भाई दो गैसेस क्या क्या दिए हुए हैं? अमोनिया दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है. तो क्या बच गया होगा सर, क्या बच गया होगा? तो एक आपका CH4 बच गया होगा, एक आपका H2O बच गया होगा, यही ना सर? तो यस सर, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है यहां पे, H2O एंड द दिस वन. मैंने आपको पहले भी सिखाया है, बार बार फिर से एक बार सिखा देते हैं. CHNO. ओके सर, दिस इज द तरीका टू टेक द आंसर आउट हियर. ओके सर, तो ये है आपका आंसर. तो ये टोटल में चार गैसेस हैं, इसी तरह से इसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं. ओके सर, वेरी वेरी गुड, लेट अस मूव हियर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी. गो फॉर दिस. यस, इसको देखिए सर. द माइक्रोस्फेयर्स पोजेस्ड अ मेम्ब्रेन ऑफ, आपको मैंने कोजर वेट वर्सेस माइक्रोस्फेयर बताया था, आपको याद होगा. कोजर वेट वर्सेस माइक्रोस्फेयर बताया था. बताइए कोजर वेट का जो मेम्ब्रेन है ये क्या चीज का बना हुआ है, ये क्या चीज का बना हुआ है? द कोजर वेट का मेम्ब्रेन क्या चीज का बना हुआ है? आंसर मी दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी. अश्विनी असाती, नौसाद अहमद, यनुसा, स्नेहा बारीदर. सर मे बी वन. नहीं नहीं नहीं, देखो यहां पे क्या है ना, प्रोटीन नहीं है. ठीक है, नो डाउट आप लोग देख रहे हो. इसका जो मेम्ब्रेन है वो स्पेसिफिकली तुम्हारा लिपिड का बना हुआ है. ठीक है, जब हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, कोजर वेट के बारे में, तो जो कोजर वेट का मेम्ब्रेन था ये तुम्हारा वॉटर लेयर का बना हुआ था, ये तुम्हारा वाटर का बना हुआ था. ठीक है, तो कोजर वेट में H2O का मेम्ब्रेन था और यहां पे तुम्हारे पास लिपिड का मेम्ब्रेन है. ठीक है सर, ओके चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है. लेट अस सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबॉडी. ओके सर, गो फॉर दिस. बताइए विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विल टेक प्लेस इफ द एनवायरमेंट इज स्टेबल. अगर एनवायरमेंट आपका स्टेबल है, अगर एनवायरमेंट आपका स्टेबल है तो किस टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होगा? इफ द एनवायरमेंट इज स्टेबल देन विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विल टेक प्लेस. तो भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया.
क्या इजी क्वेश्चन हो गया भाई, स्टेबल है तो दिस इज गोइंग टू बी द स्टेबिलाइजिंग टाइप, तो दिस इज गोइंग टू बी द स्टेबिलाइजिंग टाइप। लेकिन साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शनल कब होता है, डायरेक्शनल कब होता है, व्हेन द एनवायरमेंट इज ग्रेजुअली चेंजिंग, जब एनवायरमेंट में ग्रेजुअल चेंज है तब होता है तुम्हारा डायरेक्शनल। और डिसरप्टिव कब होता है, जब तुम्हारा एनवायरमेंट क्या है, वेरी फास्ट फ्लक्चुएशन, जब एनवायरमेंट बहुत ज्यादा फास्ट फ्लक्चुएशन शो करता है तब क्या होता है, तब होता है डिसरप्टिव। ठीक है, तो सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा द स्टेबलाइजिंग टाइप। ठीक है, इसका आंसर होगा स्टेबलाइजिंग टाइप। चलिए लेट अस सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर दिस। चल बताइए, विच वन इज वेस्टिजियल इन द ह्यूमंस, विच वन इज वेस्टिजियल इन द ह्यूमंस। सारे लोग इसको देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। एवरीबडी आंसर मी दिस क्वेश्चन, दैट विच वन इज वेस्टिजियल इन द ह्यूमंस। कम ऑन एवरीवन, waiting for your answers, waiting for your answers till now. Here we have got Samuel, Aswini, Aswini bhai, thoda dekho yaar. Pranaya, Krishna, Padma, please check your answer. Please check your answers again, again students. Jitne bhi logon ne classes kiye the, theek hai sir? Maine specific bataya tha aapko ki jo pinna hai, ye vestigial organ nahi hai. ये कलेक्शन ऑफ द साउंड वेव में हेल्प करता है और साउंड वेव को कॉन्सेंट्रेट करवाता है। आप कभी भी आंसर नहीं कर सकते पिन्ना, और पता नहीं आईलिड्स पे क्यों टिक कर रहे हो भाई। आईलिड यार वेस्टिजियल हो गया है, अपना आईलिड खोल के रख दो यार, जो लोग भी टू पे टिक लगा रहे हैं, आईलिड कब से वेस्टिजियल हो गया, तो भाई ये भी वेस्टिजियल नहीं है। और जो लोग थर्ड पे लगा रहे यार, कैनिंस हटा दो यार, अभी के अभी अपने दांत तोड़ के अलग कर दो, कैनिंस अगर नहीं रहेगा तो फिर कई चिकन कैसे खाओगे, तो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट वेस्टिजियल। ऑरिक्यूलर मसल्स, ऑरिक्यूलर मसल्स मतलब पिन्ना के मसल्स जो कि आपके पिन्ना को मूव कराते हैं। क्या आपका पिन्ना मूव होता है, नहीं होता है, तो इसका यही मतलब है कि जो ये ऑरिक्यूलर मसल्स हैं, दिस इज अ वेस्टिजियल हेयर। ओके चलिए सर, लेट अस सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके सर, चलिए कोई बात नहीं है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द होमोलोगस ऑर्गन्स, कौन सा यहां पे होमोलोगस ऑर्गन्स के लिए ट्रू नहीं है, कौन सा यहां पे होमोलोगस ऑर्गन के लिए ट्रू नहीं है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स हियर, ब्यूटिफुल आंसर्स, वेरी वेरी ब्यूटिफुल आंसर्स। चलो सर कम ऑन, सर कैनिन वेस्टिजियल, आर्घा दास प्लीज अपने कैनिन्स मेरे को भेज दीजिए, सर आपका तो ऐसे भी कैनिन्स वेस्टिजियल हो गया है। ओके सो हियर द कैनिन्स हैव बिकम रिड्यूस्ड इन साइज, नॉट वेस्टिजियल। ठीक है, बुक में देखिए क्या है, यही होता है। अगर आप अच्छे जगह नई क्लासेस करोगे ना तो बस यही सब आंसर आप दोगे। ठीक है, चलिए देखिए सर, होमोलोगस ऑर्गन्स आर रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नहीं भाई, मैंने कितनी बार सिखाया है, होमोलोगस का मतलब होता है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, तो ये तो पहला स्टेटमेंट ही आपको गलत मिल गया। उसके बाद होमोलोगी इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री, बिल्कुल सही सर, यहां पे एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और बाहर की तरफ हम लोग रेडिएट करते हैं। स्टडी ऑफ द होमोलोगस ऑर्गन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड द वर्टिब्रेट ब्रेन्स आर द एग्जांपल ऑफ द होमोलोगस ऑर्गन। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। ओके चलो सर, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, लेट सी अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर दिस। ओके बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैंने जानबूझकर डाला, देखते भाई आप लोग को शुरू का याद है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि भाई पुराना वाला भूलते जा रहे हैं। चलिए सर आंसर बताइए, Which one of the following theories about the origin of the life states that life came from decaying and rotten matter like straw and the mud? आपको बताना है भाई, straw and the mud. Okay, answer this.
वेटिंग फॉर द आंसर्स हियर. प्रिया कुमारी मैडम व्हाट आंसर. अगर ऐसा आंसर करेंगे प्रिया कुमारी टेंशन हो जाएगा भाई. आपको कैसे दिख रहा है भाई कि स्ट्रॉ और मड से बायोजेनेसिस करवा रहे हो आप. प्लीज चेक योर आंसर. अश्विनी असाटी कहां चले गए हो भाई, किस दुनिया में जी रहे हो अभी आप हैं? ये तीन वाले आंसर बहुत गलत है. मेडिक्री बिलीव मी कैसे बिलीव कर ले भाई, आपका आंसर गलत है. क्या क्वेश्चन बोला था? क्वेश्चन बोला था कि स्ट्रॉ या मड मतलब नॉन लिविंग चीजों से क्या आ रहा है, लिविंग चीज आ रहा है, लाइफ ओरिजिनेट कर रहा है. दिस इज द स्पॉन्टेनियस क्रिएशन. तो द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ए बायोजेनेसिस. दिस इज कॉल्ड एज द ए बायोजेनेसिस. ओके ऐसे ना करे भाई, ऐसे ना करे. स्टूडेंट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. चलो बताओ द अर्लीएस्ट सेल्स, जो सबसे पहला सेल था उसका फीचर बताइए. द अर्लीएस्ट सेल का फीचर बताइए. द अर्लीएस्ट सेल का फीचर क्या है? ओके कम ऑन भाई. अश्विनी असाटी बोल रहा सर मिस टच हुआ था. हाँ ये तो नया आ गया भाई है? जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो सारे स्टूडेंट्स बोलते थे सर स्लिप ऑफ टंग हो गया, इधर मिस टच हो गया. ये नया सीखा आपसे सर कि मिस टच हो गया. ओके सर एक्सेलेंट आंसर. तो भाई जो अर्लीएस्ट सेल थे, दे वेयर द केमो हेट्रोट्रॉप्स. दे वेयर व्हाट? दे वेयर द केमो हेट्रोट्रॉप्स. ठीक है. और क्या फीचर्स था इनका? दे वेयर प्रोकैरियोटिक. और क्या फीचर था इनका? दे वेयर एनारोबिक. दे वेयर एनारोबिक. ओके तो पूरा फीचर आपको पता होना चाहिए. इसके बाद केमो हेट्रोट्रॉप से क्या आएंगे? केमो ऑटोट्रॉप. केमो ऑटोट्रॉप में क्या, उसके बाद क्या आएगा? फोटो ऑटोट्रॉप. फोटो ऑटोट्रॉप में क्या होगा? पहले एन ऑक्सीजेनिक, फिर क्या होगा? फोटो ऑटोट्रॉप ऑक्सीजेनिक. ओके तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए. लेट अस सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. In which one of the following barriers the two species might have different courtship behavior or mate preferences? Or mate preferences? Okay, sir. क्या नाम है यार तुम्हारा? अर्घादास. अर्घादास मैं एक ही चीज बोलूंगा, प्लीज डोंट ट्राई टू कॉन्ट्रेडिक्ट विथ मी. ओके सर मैंने आपको कुछ सिखाया है उससे कुछ सीखिए, नहीं तो फिर आपका जो गलत कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ रह जाएगा. वेस्टिजियल क्या होता है मैं 100 बार आपको नहीं बताऊंगा. वेस्टिजियल इज व्हाट? वेस्टिजियल एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसको कि आप यूज नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि आपके बॉडी में रिड्यूस्ड हो चुका है, जो कि फंक्शन लेस है. अरे यार टीयरिंग, किसी भी चीज को टीयर करना है किसका यूज करोगे? कैनिन्स को यूज करोगे. आप बार बार एक ही चीज मेरे को सिखा रहे हैं, आप बताइए मतलब ये बहुत गलत है ना. देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ स्टूडेंट्स टीचर को सिखाने लगते हैं, ठीक है सर, कि सर ये देखो सर ये. मैंने आपके डाउट को 100 बार क्लियर किया. प्लीज कमेंट सेक्शन को स्पैम ना करें, अच्छी बात नहीं है. और अगली बार से कॉन्सेप्ट को सीखे अच्छे से, ठीक है. ओके इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स टू स्पीसीज माइट हैव डिफरेंट कर्सिव बिहेवियर और मेट प्रिफरेंसेस. तो भाई कर्सिव बिहेवियर अलग है, मतलब आपका इथोलॉजी अलग है. दैट इज गोइंग टू बी द इथोलॉजिकल आइसोलेशन. दैट इज गोइंग टू बी द इथोलॉजिकल आइसोलेशन. अगेन जैसे कि आप देखो इसके पहले भी मैंने ही अपने इस चैनल पे आप लोगों को क्लियर कट बताया कि भाई जो पिन्ना है ये वेस्टिजियल नहीं है. वेस्टिजियल क्या होता है? तो ऑरिक्युलर मसल्स होता है. अगेन आप कहीं पे इधर उधर जाके पढ़ोगे, बहुत जगह पढ़ाते हैं पिन्ना इज वेस्टिजियल, बहुत जगह पढ़ाते हैं. बट जो गलत है वो तो गलत है ना यार, जो गलत है वो गलत है. चलो सर लेट अस मूव हियर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गो फॉर दिस. ओके नाउ स्टूडेंट्स आंसर मी दिस क्वेश्चन. गो फॉर दिस. पेरिपेटस बताइए सर. ये जो पेरिपेटस है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एटाविज्म. मैडम अभी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस ही नहीं किया है, ठीक है. ओके पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन. पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन. अब मेरे को खराब लगता है भाई कि कुछ छोड़िए हटाइए. पेरिपेटस
इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हियर वी हैव गॉट, नाइस वन एवरीवन। तो एनिलीड्स एंड द आर्थ्रोपोड्स, एनिलीड्स एंड द आर्थ्रोपोड्स इज गोइंग टू बी व्हाट्स द पेरिपेटस। ओके, रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स में क्या सिखाया था? तो यहां सिखाया था प्लेटीपस। ओके, और एम्फीबियन और फिश में क्या सिखाया था? तो यहां पे सिखाया था मैंने लंग फिशेस, यहां पे सिखाया था द लंग फिशेस। ओके, वेरी वेरी गुड। चलो सर, लेट्स सी अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर दिस। Which one of the following factor will not disturb the Hardy-Weinberg equilibrium? Hardy-Weinberg equilibrium को इसमें कौन सा फीचर डिस्टर्ब नहीं करेगा? सर आपने ये क्वेश्चन क्लास में भी कराया था। अरे संजय गुप्ता, कराना पड़ता है कभी कभी, कुछ क्वेश्चंस को दो तीन बार कराना पड़ता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके सर, वेरी गुड। तो लड़के या लड़कियों, What is the factor that will not disturb the Hardy-Weinberg equilibrium? मैंने आपको क्लियर कट सिखाया हुआ है। सबसे पहला लार्ज पॉपुलेशन। दूसरा मैंने सिखाया हुआ है रैंडम इंटरब्रीडिंग। तीसरा सिखाया हुआ है नो नेचुरल सेलेक्शन। चौथा सिखाया हुआ है नो म्यूटेशन, और पांचवा सिखाया हुआ है नो जीन फ्लो। तो दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट क्राइटेरियास। अगर ये पांच इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपका वैलिड है तभी Hardy-Weinberg इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड। तो यहां पर एक ही आंसर है, यहां पे दैट इज द रैंडम इंटरब्रीडिंग। और जितने भी वर्ड्स हैं सब में क्या लगाना है? सब में लगाना है नो नेचुरल सिलेक्शन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो म्यूटेशन, तब जाकर Hardy-Weinberg इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ठीक है सर, सारे लोगों को हर पॉइंट यहां पे समझ में आ गया? ओके सर, वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द टुडेस क्विज। Again, students, I repeat, if you are taking the subscription of On Academy Plus, take it now. आज या कल में ले लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो मेरे पास एकदम कंफर्म न्यूज है, लगभग आई एम नॉट श्योर, फिर भी 28 से जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यूज द कोड RKSIRLIVE एंड टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर दिस। ओके, प्राइसेस तो इंक्रीज पक्का होने ही होने हैं, बट 28 से शायद ये होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यूज दिस कोड RKSIRLIVE, प्राइसेस अभी बहुत कम है, बट आफ्टर इंक्रीज दे आर गोइंग टू बी ऑब्वियसली, ये 10,000 रुपए बढ़ जाएगा, ये 20,000 बढ़ जाएगा। किसी को भी खराब लगता है कि जो चीज 10,000 रुपए कम में पहले मिल रहा था उसके लिए यू हैव टू पे 10,000 एक्स्ट्रा। एंड बिलीव मी, An Academy Plus is best and you will get the best of the knowledge. Bio में तो मैं हूं ही आपके साथ, मेरे साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे educators हैं, for physics also, for chemistry also, बहुत मजा आएगा। You simply join this, मेरा बिल्कुल नया batch droppers के लिए start हो रहा है, और NIT 2022 के लिए just मेरा एक batch अभी अभी start हुआ है, तो आप मुझे वहां भी join कर सकते हैं in the Arise batch, जहां पे कि मेरे classes होते हैं 8:15 पे। Okay sir? तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को ड्रॉपर बैच में ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मेरे क्लासेस होते हैं एट द टाइम 4 PM, बट अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है ड्रॉपर बैच, दिस इज गोइंग टू स्टार्ट। ओके सर, यूज द कोड RKSIRLIVE, डोंट मिस आउट, दिस इज द बेस्ट कोड ऑन Academy। ओके सर, बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं सर, टॉपिक विल कंटिन्यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।